हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एसी टेक, जहाँ पे मिलेगा आपको आपकी हर एक प्रॉब्लम का हर एक सलूशन। सो आज की वीडियो का टॉपिक ये है कि हम कैसे अपने जो भी हमारा फेसबुक होता है उस पर जो हमारे लॉगिन इन्फॉर्मेशन में जो हमारा नंबर होता है उसे हम कैसे ईमेल में स्विच कर सकते हैं। उसे करना बहुत ईजी है। सबसे पहले आपको अपना फेसबुक ओपन करना होगा। आप जैसा कि देख सकते हो, मेरी राइट हैंड साइड पे 3 लाइन्स है, मैं उस पर टैप करूँगी। उसके बाद आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी के जस्ट नीचे सेटिंग्स मिलेगा, आपको उस पर टैप करना है। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पर पहले नंबर पे ही अकाउंट सेंटर है, आपको उस पर टैप करना है। उसके बाद आप देख सकते हो कि अकाउंट सेटिंग करके आ रहा है, उसके नीचे सेकेंड नंबर पे आ रहा है पर्सनल डिटेल, आपको वहाँ पे टैप करना है। उसके बाद आप पे फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, आपको वहाँ टैप करना है। उसके बाद जो भी आपका नंबर है वहाँ पर आपको टैप करके आपको उसे डिलीट नंबर करना है। उसके बाद आपका जो भी पासवर्ड है आपको उसमें वो करके कंटिन्यू कर देना है। जैसे कि मैंने कंटिन्यू कर दिया तो वो जो मेरा नंबर है वो डिलीट हो गया। उसके बाद आपको जो भी ईमेल आईडी ऐड करनी है उसके लिए आपको क्या करना है, ऐड न्यू कॉन्टैक्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद उसमें करना है आपको ऐड ईमेल, और यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी जो भी ऐड करनी है आप वो ऐड कर देना। उसके बाद आपको अपने फेसबुक की आईडी है उस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके पास एक कोड आएगा और वो कोड इस पर लिख कर टाइप करके उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आपका ईमेल आईडी फिर आपकी फ़ोन नंबर से स्विच हो जाएगी, मतलब आपके जो फ़ोन नंबर है उससे आपकी ईमेल आईडी स्विच हो जाएगी और आपका जो भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है जो भी आपकी ईमेल आईडी पर आएगी। सो आई विश आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको आपकी प्रॉब्लम का सलूशन मिल गया होगा।